फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लाया हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन की बात आती है तो परम्यूटेशन आपने इंग्लिश का वर्ड है, आपने सुना भी होगा कि हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल। परम्यूटेशन मतलब चीज़ों को अरेंज करना, चीज़ों को जमाना। कॉम्बिनेशन का मतलब है, इसमें कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा कि इंग्लिश में और इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है। इंग्लिश में आप बोलते हैं कि मैंने व्हाइट पैंट या ब्लैक शर्ट या ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहनी, तो ये मेरे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो इन दिस चैप्टर कॉम्बिनेशन इट इज़ अ बिट डिफरेंट। और बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, बहुत सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और हम जिस एक्सरसाइज पे आज फोकस करेंगे वो एक्सरसाइज है क्लास 11th NCERT एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 को टारगेट करते हुए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। तो बेसिकली मैं आपको परम्यूटेशन से रिलेटेड बात बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको आपके फादर ने ये बता दिया कि मेरे डेबिट कार्ड के 4 डिजिट ये हैं, 3427। मेरे डेबिट कार्ड के 4 डिजिट है 3247, पर एग्जैक्ट जो इसका सीक्वेंस है आई विल नॉट टेल यू, मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो आप बताइए कि हाउ मैनी सच परम्यूटेशन। आप अब कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, कॉम्बिनेशन इज अ बिट डिफरेंट हियर। आप कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो इंग्लिश के जो मायने हैं, जो कॉम्बिनेशन का इंग्लिश का मीनिंग है, इंग्लिश में जो हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ परम्यूटेशन की बात आएगी कि 3427 हो सकता है कोड, उनका कोड हो सकता है 3472 हो, उनका कोड हो सकता है 2437 हो। तो ऐसे हाउ मैनी सच क्या बोलेंगे, अगेन आई विल टेल यू नॉट कॉम्बिनेशन, आई विल टेल यू हाउ मैनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। ऐसे कितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस बन सकते हैं, ऐसे कितने डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स किस में आएंगे, दे विल कम अंडर द सेक्शन ऑफ परम्यूटेशन, वो परम्यूटेशन पे आएंगे। लेकिन सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है, बेसिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये कहीं ना कहीं तो हमारे जो बेसिक में दिमाग में जो ओरिजिनली मैथमेटिक्स चल रहा है, जो पुराने ज़माने से लॉजिक डेवलप हो रहे हैं, उन लॉजिक से ही इसका आगे का डेवलपमेंट होता है। ऑल ऑफ सडन देर इज़ नो न्यू ब्रांच हियर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई एकदम से नई ब्रांच मैथमेटिक्स की डेवलप नहीं होती है। ये डेवलप होती है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। और सारी चीज़ें जो आई हैं, द होल थिंग्स विच हैव कम अप टू दिस लेवल, दे हैव कम फ्रॉम बेसिक एंड फंडामेंटल थिंकिंग। तो सो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, और जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम समझ लेंगे, उसको हम आगे ले जाके डेवलप करते करते परम्यूटेशन में बदलेंगे, और हम समझेंगे कि व्हाट इज परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में स्टेज में चलता है। आपने सुना होगा कॉम्बिनेटोरिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का ज़बरदस्त यूज़ है। परम्यूटेशन का यूज़ है कोडिंग में, डीकोडिंग में, और भी हम सारी ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन हम पहले कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसे समझते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 का जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, फ्रॉम द डिजिट्स। और डिजिट्स क्या है आपके पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दीज डिजिट्स आर अवेलेबल, 1, 2, 3, 4, 5।
और दो केसेस हैं, वी आर गिवन दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, और दूसरा केस है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड और इसमें है डिजिट्स इज अलाउड. फिर हम इसका डेवलपमेंट समझेंगे और कैसे काम करता है उसको समझेंगे. और दूसरे केस में है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. देर आर टू कंडीशंस, एक में रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, दूसरे में रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है. तो समझे हम, हमारे पास क्या डिजिट्स दिए हुए हैं, हमारे पास दिए हुए हैं डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5. तो 1, 2, 3, 4, 5 ध्यान से देख लें, डिजिट्स आर 1, 2, 3, 4, 5. पहले किस पे फोकस करें, तो पहले हम फोकस करते हैं रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स. रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है. और हमें हमें क्या बनाना है दोस्तों, हमें बनाना है 3 डिजिट नंबर. कहने के लिए तो बिल्कुल आसान है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स होगा तो 5 × 5 × 5 होगा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड होगा तो 5 × 4 × 3 होगा. लेकिन हम इसका जब दोस्तों बेसिक डेवलपमेंट जब तक नहीं समझ लेंगे तब तक आगे की चीज़ें हमें इतने आसानी से आने वाली नहीं है. तो पहले हम 3 डिजिट्स नंबर वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इस पर डिस्कशन करते हैं. और हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और हमें बनाना है 3 डिजिट नंबर, रिपीटेशन इज अलाउड. अब मैं इसे रब कर देता हूं दोस्तों, आपने समझ लिया है कि हमें क्या डिस्कस करना है. तो हमारे पास देखिए, हम ऐसे 3 बॉक्सेस बना दें, बॉक्स 3 बना दिए, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स सेकेंड वाला और ये 3. हमें 3 डिजिट के नंबर चाहिए, 3 डिजिट के लिए हमने ये रख दिए. इस वाले बॉक्स में क्या आ सकता है, तो ध्यान से सुनिए, इस वाले बॉक्स में आप 1 लिख सकते हैं, फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें भी 1 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं. क्या इसमें 2 भी लिख सकते हैं, यस 2 कैन बी. क्या इसमें 3 भी आ सकता है, यस ऑफ कोर्स. रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड पे डिस्कशन कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम इस बॉक्स के अंदर क्या क्या डिजिट्स लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5. इसमें क्या लिख सकते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5. इसमें क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5. क्लिक करेक्ट. अब हमारे जो नंबर्स हो सकते हैं वो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए आप सबसे पहला नंबर है आपका ये, आप इससे समझ लेते, ये पहला नंबर है आपका ये वाला 111. फिर क्या हो सकता है आपका, ये हो सकता है 112. फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है 13. क्या हो सकता है, तो ये कितने केसेस हो गए, हाउ मेनी सच केसेस आर दिस, दीज आर 5 केसेस. कितने केसेस हो गए, 5. अब हमने क्या किया कि इसको ले लिया, ध्यान से देखिएगा आप, अब हमने लिया ये 2, 1 के साथ, इसको ले लें आप 1, 2, ये ले ले, ये ले ले, फिर कितने केसेस हो गए दोस्तों, 5 हो गए. तो ऐसे 5 केसेस कितनी बार आएंगे, तो देखिए 1 हो गया, एक बार हो गया 5 प्लस 5. अब अगर आप 1 को ले लें और इसको ले लें 3, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, फिर केसेस आ गए आपके पास 5. फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसे 5 केसेस आ जाएंगे, फिर इसके साथ भी आ जाएंगे, ये नंबर्स हो गए. तो ये 5 कितनी बार आया, इसके साथ भी 5 था, इसके साथ भी 5 था, इसके साथ भी 5 था, इसके साथ भी 5. तो 5 + 5 + 5 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स. अब देखो दोस्तों, सबसे पहले किसको टारगेट किया था हमने, 1 को टारगेट किया था. अब अगर ऐसा कि ऐसा, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ,
ये हो गया हमारा 5x5, ये क्या बन गया हमारा दोस्तों 5x5, जो अब हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स थे 1, 2, 3, 4, 5। आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको मैं बिगिनिंग से समझाऊंगा, बेसिक से, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब 2 ले लें, 2 के साथ क्या आ सकता है 1, फिर वही की वही प्रोसेस, 2 के साथ 1, फिर वो सारे केसेस आएंगे, फिर इसके साथ वही सारे केसेस आएंगे। मतलब जो ये चीज़ है, ये चीज़ पूरी की पूरी चीज़ 1 के साथ जैसी रिपीट हुई है, वैसे 2 के भी साथ होगी, वैसे 3 के भी साथ होगी, वैसे 4 के साथ भी होगी, और वैसे किसके साथ होगी 5 के साथ होगी। तो ये जितने केसेस थे 5x5, ये कितनी बार आएंगे, तो 5x5, ये भी कितनी बार आएगा 5 times। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 times this 5x5, तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों 5 to the power 3, दैट इज 125। 5 to the power 3, दैट इज 125। ये कब था दोस्तों, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। और इसको अगर जनरलाइज करते हैं आप, तो अगर आप देखें इसमें, फिर मैं आपको बेसिक बात भी बताऊंगा इसमें कि आप हर बार ऐसा बना बना के नहीं देख सकते। और देखिए, अगर आपके पास डिजिट्स क्या होंगे, अगर आपके पास देखिए डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, up to 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसे रब कर देता हूँ मैं, बाद में लिख देंगे ये वाली प्लेस, ये वाली पोजीशन, तो देखिएगा। और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपके पास ये सारे डिजिट्स हैं, ये सारे डिजिट्स हैं, और हम चाहते हैं कि 3 digit के नंबर बनाना है। तो 3 digit के नंबर में आप पहली पोजीशन में आप जानते हो कि फर्स्ट पोजीशन शुड नॉट बी व्हाट 0, क्योंकि अगर पहली पोजीशन में आपके पास 0 आ गया, तो पहली पोजीशन में 0 आने का ये मतलब हुआ कि आपके पास 3 digit का नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय व्हाट 0। तब क्या होगा, फिर उस 0 को आप रब कर दीजिए। आप ध्यान से देखिएगा, आप पहला नंबर आपका क्या बन गया, ये देखिए 100, फिर इसके साथ ये टोटल कितने केसेस आएंगे, ये टोटल केसेस आएंगे आपके पास 10 केसेस होंगे। हाउ मेनी केसेस विल बी दीज, तो दीज विल बी 10 केसेस। जब ये 0 के साथ हुआ, अब इसको फिक्स कर दिया, ऐसा कि ऐसा इसके साथ भी होगा जैसा हमने पिछली बार देखा था, तो कितने केसेस बनेंगे हमारे पास 10 केसेस। फिर इसके बाद इसके साथ भी होगा, लेकिन अब इसके साथ देखिए इसमें एक 0 कम हो चुका है, तो इसके साथ टोटल जो केसेस बनेंगे 1 से लेके 9 तक, दीज विल बी हाउ मेनी केसेस, दीज विल बी 9 केसेस। तो द टोटल नंबर्स ऑफ 3 digit नंबर्स विल बी हाउ मेनी, दे विल बी 9 × 10 × 10, 900। अब देखिए आप, आपके नंबर्स होते हैं 100 से लेके कहाँ तक, 999 तक होते हैं, ये नंबर्स होते हैं आपके पास 3 digit नंबर्स। तो 3 digit नंबर्स इस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 999 में से आपने 100 माइनस किया तो आपके पास आएगा 899। पर उस 899 में ये वाला केस भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये टोटल नंबर आपके पास आएंगे 900। टोटल नंबर क्या आएंगे 900। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक टोटल दिन, 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक टोटल दिन कितने होते हैं, तो 5 में से अगर 2 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3, लेकिन ये वाला दिन भी आपको जोड़ना पड़ेगा। आप देखो 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख और ये 5 तारीख, 4 दिन हुए, तो ये वाली वैल्यू भी जोड़ना पड़ती है। तो ये वाली वैल्यू मतलब +1 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम +1 ऐड करेंगे तो देखो आपके पास टोटल केसेस कितने आ गए, टोटल केसेस आ गए हैं आपके पास 9 × 10 × 10, 900 केसेस आर देयर। कब, जब आपके पास सारे डिजिट्स थे, जो भी पॉसिबल डिजिट्स थे। अगर आप इसमें चाहते थे कि 3 digit नंबर बनाने की जगह मैं 2 digit नंबर बनाऊं, तो 2 digit नंबर के लिए आप इसको कम कर दीजिए, आप इसको कम कर दीजिए। पहली पोजीशन में 0 आ नहीं सकता है, तो जब पहली में 0 नहीं आ सकता तो देखिए कैसे केसेस होंगे,
ये इसके साथ ही आ गया, इसके साथ ही आ गया, 1, 2, 12, 1, 3, 13, ऐसे वाले सारे केसेस। तो ये टोटल केसेस कितने बनेंगे दोस्तों, ये टोटल केसेस कितने बन जाएंगे आपके पास, ये दीज विल बी 10 केसेस, ये 10 केसेस होंगे। ऐसा 2 के साथ होगा, ऐसा 3 के साथ, तो ऐसा कितने के साथ होगा, ऐसा सबके साथ होगा। तो 10 इसके साथ, 10 इसके साथ, हाउ मेनी टाइम, 9 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 9 × 10, 90। तो 2 digit numbers विल बी 90। और आप देखो आपके 2 digit numbers क्या होते हैं, 10 to 99 में से 10 माइनस किया 89, प्लस आपको एक ऐड करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जब माइनस करा तो इसको हटा दिया था हमने। तो ये आ गए आपके पास टोटल कितने नंबर्स आ गए आपके पास, आपके पास 2 digit numbers आ गए हैं 90। अब बात आती है, ये था दोस्तों रिपीटेशन अलाउड वाली बात, कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। फिर मैं आपको और इसकी बात बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको समझने में फिर इतना आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आप आसानी से कर पाओगे। तो अब दूसरा जो केस था हमारे पास क्वेश्चन का, 7.1 की एक्सरसाइज 7.1 की पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। डिजिट्स थे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, हमें 3 digit के नंबर्स बनाने थे और रिपीटेशन वॉज नॉट अलाउड। तो ध्यान से देखें आप, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। तो यहाँ पे ये, और आप बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ मैंने 2 ले लिया है, तो यहाँ में क्या चॉइस है मेरे पास, यहाँ मेरे पास चॉइस है 3, 4, 5 की, यहाँ मेरे पास चॉइस है 3, 4, 5 की। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, 3, 4, 5। तो मेरे पास कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, कितने हो गए मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे 3 पॉसिबल नंबर्स हो गए 3 digit के। लेकिन अगर मैं इस 2 की जगह क्या ले लूँ, अब मैं 2 की जगह अब मैं 3 ले लूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या ले सकूँगा, यहाँ पे ले सकूँगा मैं 2, 4, 5, यहाँ पे ले सकूँगा 2, 4, 5, फिर 3 केसेस हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं 3 की जगह क्या ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे 2, 3, 5, तो ये फिर 3 केसेस हो गए। फिर मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, तो फिर यहाँ मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2, 3, 4, ये 3 नंबर्स हो गए। तो ऐसा 3 कितनी बार आ सकता है, तो ऐसा 3 + 3 + 3 कितनी बार आ सकता है, तो 4 times आ सकता है, 4 × 3। अब बात क्या हुई कि यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, आप डिजिट्स रिपीट नहीं करा सकते। तो व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो जो डिजिट आपने यहाँ पे यूज कर लिया वो बाद में नहीं आ सकेगा। अब अगर आपने फिर क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप 2 ले लो, अब यहाँ पर क्या ले लो, आप मैकेनिज्म को समझो, यहाँ पर 2 ले लो, तो यहाँ पर क्या, या पहले एक काम करें, यहाँ पर 1 लिया था हमने, तो ध्यान से सुन ले, पहले 1 के केस पे अपन सारी डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान दे दें। पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था, 1, यहाँ पे क्या ले लिया था हमने, 2, यहाँ पर क्या ले लिया था हमने, 3, 4, 5। फिर जब हमने यहाँ पे 3 लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 2, 4, 5। जब हमने 4 लिया तो दूसरे केसेस आ गए, तो ये 1 वाली बात हो गई। अब अगर इस पोजीशन में, ध्यान से सुने, अगर इस पोजीशन में मैं 2 रख दूंगा, तो फिर यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, 2 हो गया यूज में आ गया, 1 कंज्यूम हो गया, अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास 3, 4, 5 बचा। फिर यहाँ पर 2 तो आ नहीं सकता है, यहाँ अगर मैंने 3 ले लिया तो यहाँ पर कौन आ जाएगा मेरा, 1, तो 2, 3, 1, 2, 231, 234, 235, इस तरीके के नंबर बनेंगे। अब जब यहाँ मैंने 4 ले लिया, तो यहाँ पे मैं 4 नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं 4 हटा दिया मैंने, यहाँ पर जो बचे हुए वो ले सकते हैं। तो इसमें भी कितनी बार होगा, ये पूरा केस भी 4 × 3 बनेगा। अब ध्यान से सुनो, अब आप अगर यहाँ पे 3 ले लो, पहली पोजीशन में आपने 3 ले लिया, बाद वाली पोजीशन में आपने क्या ले लिया, 1, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, 2, 4, 5, फिर यहाँ पर 2 ले लिया आपने, तो यहाँ पे 1, 4, 5, फिर वैसा की वैसा ही फिर सिनारियो हो गया 4 × 3।
अब जैसा यहाँ 3 के लिए किया था हमने, वैसा यहाँ आप 4 के लिए कर सकते हो। यहाँ 4 ले लो आप, यहाँ 1 ले लो, यहाँ ले लो आप 2, 3, 5। ऐसा कि ऐसा फिर आपके पास सारे केसेस बनेंगे 4 × 3। ऐसा कि ऐसा जब हम यहाँ पे 5 लेंगे, यहाँ 5 ले लिया हमने, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ हमने ले लिया 2, 3, 4। तो इसके लिए भी इसी तरीके से जैसे वहाँ डिस्कस किए वैसे यहाँ भी होंगे। तो हाउ मेनी केसेस विल दीज विल बी 4 × 3। तो ये 4 × 3 हाउ मेनी टाइम्स दे आर अपियरिंग, तो दे आर अपियरिंग 4 × 3 5 times। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3। तो ये केस है, सेकेंड वाले का आंसर है when repetition of digits is not allowed। तब अब आपको यहाँ पे चॉइस समझना पड़ेगी और मैं आपको बताऊंगा कि what is meaning of choice। अगर आप ये choice का meaning समझ गए तो कंफर्टेबली, जैसे वो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड था वो थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी होता है, बट वेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड देन यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, तब आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चॉइस फिलिंग, चॉइस का क्या मामला है, चॉइस कैसे भरते हैं, चॉइस फिलिंग क्या होती है। तो ध्यान से सुनिए, तो पहले हम इस पर कुछ समझे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको 3 डिजिट का दिया नंबर, तो ये 3 डिजिट के लिए आपने 3 बॉक्सेस बना लिए। अब आपको ये है आपके पास जो अवेलेबल डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 में हाउ मेनी डिजिट्स आर दीज, सो दीज आर 5 डिजिट्स, ये 5 डिजिट है। आप सबसे पहले किस डिजिट को भर दें, किस प्लेस को भर दें, आप वहाँ से यहाँ से किधर से भी चालू कर सकते हैं। तो आपने मान लीजिए इधर से भरा, तो आपके पास 5 डिजिट है, आप इसको कितनी चॉइस है आपको भरने की। तो आप ये सोचो कि मेरे पास आई हैव 5 चॉइसेस, कैसे चॉइसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो मैंने आपको यहाँ एक्सपीरियंस कराई। अब आप यहाँ अगर 1 भर देते हैं तो आपने देखा होगा कि आप यहाँ 1 नहीं भर पाते थे, यहाँ अगर आपने 1 भर दिया तो यहाँ 1 नहीं भर पाते थे, यहाँ आपने देखा होगा अगर यहाँ पे 2 भर दिया, यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 भर दिया, यहाँ 2 भर दिया, यहाँ 1 भर दिया, यहाँ 2 भर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा 3, 4, 5 ही भरना पड़ेगा। आपके पास चॉइस और कम हो गई, क्यों, क्योंकि एक डिजिट आपने यहाँ, एक डिजिट यहाँ कंज्यूम कर लिया, तो वो डिजिट आप नहीं भर पाते थे। जो हमने इसका फॉर्मेशन देखा था, आपने देखा होगा, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। ये देखो पहला केस ही था जो 1 यहाँ पे रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 4, 5। तो यहाँ इसका मतलब है 3 चॉइस है, इसको भरने की हाउ मेनी चॉइसेस आर दीज, तो इसको भरने की 3 चॉइसेस हैं। फिर जब यहाँ पे 2 आ जाता था तो फिर 2 को आप एक्सचेंज कर देते थे, यहाँ पे 2 की जगह क्या लिख देते 3, फिर यहाँ 2 चला जाता था। फिर जब आप यहाँ पे 4 लिखते थे तो यहाँ पर 3 चला जाता था, ये यहाँ पर 3 चला जाता था। फिर आप यहाँ पे 5 लिखते थे, तो इस तरीके से इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, इसके लिए चॉइसेस हैं आपके पास 4, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे आपने फिक्स कर दी। तो आप ऐसे समझें कि हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव, मेरे पास इसको भरने के लिए कितनी चॉइसेस है। तो आई हैव 5 डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव 5 डिजिट्स 1 से लेके 5 तक, और दिस फर्स्ट पोजिशन कैन बी फिल्ड, इसको भरने में कोई दिक्कत है क्या, आपको इसको भरना है, मैं कहूँगा इसको भरो। तो आप कहोगे सर मैं कौन सा डिजिट इसमें भरूँ, तो आई विल से दैट यू कैन फिल दिस बाय एनी ऑफ दिस 5 डिजिट्स, आप इसको 5 में से किसी से भी भर दो। तो आप कहोगे मैं 1 भर दूँ क्या, नो प्रॉब्लम यू कैन फिल इट। आप कहोगे 2 भर दूँ, मैं कहूँगा यू कैन फिल इट, आप 1 से लेके 5 तक। तो यू हैव 5 चॉइसेस, हाउ मेनी चॉइसेस डू यू हैव, यू हैव 5 चॉइसेस, एंड टू फिल इट दिस एंड टू फिल दिस सेकेंड बॉक्स। और अब जब सेकेंड डिजिट सेकेंड बॉक्स को भरना है तब, तो आप ये सोचो कि यू हैड 5 चॉइसेस टू फिल दिस बॉक्स, आपके पास 5 चॉइसेस थी, लेकिन आपने किसी ना किसी को तो भर दोगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 को भर दिया, तो आम नाउ आई डोंट हैव चॉइस टू फिल दिस बॉक्स बाय 1। अब मैं इसमें 1 नहीं लिख सकता क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सो आई हैव, हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव,
टू फिल दिस बॉक्स आई हैव फाइव चॉइसेस, मेरे पास है फाइव चॉइसेस, टू थ्री फोर फाइव किसी से भी भर दूं, बट वंस आई फिल्ड दिस बॉक्स, पर मैंने एक बार इसको किसी से भर दिया, मान लीजिए मैंने इसको टू से भर दिया, किसको, इसको टू से भर दिया, तो फिर मेरे पास एक चॉइस और कम हो गई, हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव नाउ, अब मेरे पास तीन ही चॉइस रह गई इसको भरने के लिए, और वो तीनों चॉइसेस कौन सी है, थ्री फोर फाइव। मान लीजिए कि मैंने इसको थ्री से भरा होता, थ्री से भरा होता, तब मेरे पास कितनी चॉइस होती, तब भी मेरे पास कितनी चॉइस होती, तब भी मेरे पास तीन ही चॉइस रहती। तो इसका कहने का मतलब है, ऑल इन ऑल आई विश टू से दैट इट इज़ अ गेम ऑफ चॉइस, हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव टू फिल दिस, आई हैव फाइव चॉइसेस टू फिल दिस, वन चॉइस इज मीन्स लेस नाउ टू फिल दिस, अब एक चॉइस हमारी कम हो गई है, तो वी हैव नाउ फोर चॉइसेस टू फिल दिस। अब इसके बाद आफ्टर फिलिंग दिस हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव नाउ, अब अपने पास एक चॉइस और कम हो गई, सो एट द लास्ट वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस, थ्री चॉइसेस। सो द नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन टू थ्री फोर फाइव विल बी फाइव इंटू फोर इंटू थ्री। सो दिस इज एन ईजियर मेथड, सो कैन वी अप्लाई द सेम मेथड टू फिल When repetition of digits is allowed, yes, we can do so. कैसे कर सकते हैं, तो इसी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप सेम चीज़ रखें और पहले वाले का आंसर देखते हैं। तो पहले वाले का आंसर देने के लिए आप ध्यान से देखिए, आप लास्ट तक बने रहेंगे, आप सब समझ लेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड इन केस इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट और प्रॉब्लम, प्लीज़ व्हाट्सअप मी एट माई व्हाट्सअप नंबर, द नंबर इज हियर, यू कैन मीन्स यू कैन अप्रोच मी थ्रू दिस नंबर एंड आई एम एट योर डिस्पोजल। सो लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ, जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट में क्या था, आपके पास नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव, आपके पास पाँच डिजिट्स थे और द और यू वी मीन्स वी हैव थ्री बॉक्सेस फॉर फिलिंग थ्री डिजिट नंबर्स या टू फॉर्म थ्री डिजिट नंबर्स। इस बॉक्स में कितनी चॉइसेस हैं, तो इस बॉक्स को भरने के लिए पांच चॉइसेस हैं, इसको भरने के लिए हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव, पांच, इसको भरने के लिए पांच, क्यों, वी डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, क्यों, वन टू थ्री फोर फाइव। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस वी कैन मेक द प्रॉब्लम ईजियर, तो वन टू थ्री फोर फाइव है, तो पांच कोई सा भी भर सकते हैं, इसमें भी पांच कोई भी भर सकते हैं, इसमें भी पांच कोई सा भर सकते हैं, एंड द लास्ट एट द लास्ट यू विल हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज, सो द आंसर विल बी फाइव टू द पावर थ्री, जो कि हमारा पिछला आंसर था। अब अगर यही केस ध्यान से सुने आप, यही मेथड आप इसमें लगा दें, चॉइसेस वाली बात जो है हम इसमें अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, आपके पास अवेलेबल डिजिट्स क्या थे, 0 to 9 10 डिजिट्स थे, 0 to 9 10 डिजिट्स थे, 0 to 9 10 डिजिट्स थे। अब आपसे कहा कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, अलाउड नो प्रॉब्लम। तो अलाउड में आपके पास यहाँ पर ध्यान से देखिए, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, और कितने डिजिट के नंबर बनाना है आपको, तीन डिजिट के नंबर बनाना है, तो आपको मालूम है फर्स्ट प्लेस शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, जीरो से नहीं होना चाहिए, क्यों, इस पोजीशन में जीरो नहीं आ सकता, इस पोजीशन में वन से लेके नाइन तक आएंगे, तो हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव टू फिल दिस, नाइन। यहां कितने, जीरो से लेके नाइन तक कोई भी आ सकता है, टेन, यहां पे जीरो से लेके नाइन तक कोई भी आ सकता है, टेन, तो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 9 × 10 × 10 900, द सेम आंसर, वही की वही आंसर, लेकिन हाँ उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ वन से लेके क्या है, नाइन तक है, यहाँ जीरो से लेके क्या है, नाइन तक है, यहाँ जीरो से लेके कहाँ तक है, नाइन तक, फिर आपको सारे केसेस लेने पड़ेंगे। तो ये सारा काम हम नंबर ऑफ चॉइसेस के बेस पे भी कर सकते हैं। अब और आगे समझते हैं, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ये अलाउड लिया था, ये नॉट अलाउड का देखिए, पहली प्लेस में
पहली प्लेस में हाउ मेनी डिजिट्स डू वी हैव, वी हैव 10 डिजिट्स, जीरो से लेके कहाँ तक है 9 तक, वी हैव 10 डिजिट्स। दिस प्लेस कैनॉट बी ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, इस प्लेस में जीरो नहीं आ सकता, तो हाउ मेनी डिजिट्स कैन ऑक्यूपाई दिस पोजिशंस, तो 1 to 9 एनी डिजिट कैन ऑक्यूपाई दिस पोजिशन। और इसको भरने में जैसा मैंने आपको बोला था वहाँ पे कि एक कम हो गया, एक हमारा खर्च हो गया, तो एक हमारा खर्च हो गया, कोई भी खर्च हो गया, मान लीजिए 1 से लेके 9 तक में कोई भी खर्च हो गया, 1 खर्च हो गया या 2 खर्च हो गया या मान लीजिए 7 खर्च हो गया, मान लीजिए कि इस प्लेस में मैंने क्या भर दिया 7 भर दिया, तो नाउ हाउ मेनी डिजिट डू आई हैव या डू वी हैव, अब हमारे पास अब इसको भरने के लिए कितने डिजिट्स हैं, तो इसको भरने के लिए अब हमारे पास 9 डिजिट्स हैं। व्हाई, क्यों, क्योंकि इसको भरा कितने तरीके से आपने, इसमें 7 भर लिया, लेकिन अब आपको इसको भरने के लिए कितने हैं, इसको भरने के लिए 0 भी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 8 9 गिनती करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें कौन नहीं है, केवल 7 नहीं है, पर इसमें 0 तो भर सकते हैं, यस इट कैन बी फिल्ड बाय 0, इसमें 0 आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर में पहला डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 आ सकता है। अब मान लीजिए कि आपने इसको भर दिया 7 से, इसको भर दिया आपने 1 से, या इसको भर दिया आपने 0 से, किसी से भी, तो एक आपके पास और खर्च हो गया, तो जब आपके पास एक और खर्च हो गया तो इसको भरने के लिए आपके पास चॉइसेस और कम हो गई, इसको भरने के लिए आपके पास चॉइसेस कितनी हो गई, अब नाउ यू हैव ओनली 8 चॉइसेस टू फिल दिस, तो द टोटल नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 3 डिजिट नंबर्स 9 × 9 × 8, 9 × 9 = 81 इंटू 8, 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64, सो 648 टोटल नंबर्स विल बी 648 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो ये था दोस्तों 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, और उससे रेलेवेंट जो भी डिस्कशन हो सकता था वो हमने इसमें डिस्कस किया। अब अगर आपने देखा हो कि अगर आपको ऐसा पूछे, सपोज इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स, अब 2 केसेस इसमें, रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड, तो मैं आपको बताता हूं। रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, आपको 3 डिजिट के नंबर्स बनाना है और रिपीटेशन अलाउड है, क्या बनाना है आपको, इवन, तो पहली पोजीशन में कौन आ सकता है, पहली पोजीशन में 0 से लेके आपके पास 9 तक कोई भी आ सकता है, 0 to 9 मीन्स हाउ मेनी चॉइसेस डू यू हैव टू फिल दिस, 10, नो, क्यों, 0 नहीं आएगा, कितने हैं अपने पास चॉइसेस, 1 to 9, कितनी चॉइसेस अपने पास, 1 to 9, ओनली 9 चॉइसेस आर देयर, लेकिन इसको भरने के लिए रिपीटेशन अलाउड है, मेरी बात सुनिए आप, रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है और इवन नंबर चाहिए, तो इसको भरने के लिए आपके पास चॉइस हैं 0 2 4 6 8, तो ये टोटल चॉइसेस कितनी आपके पास, अब आपके पास चॉइस हो गई कम 5, इसको भरने के लिए कितनी चॉइसेस हैं 9, इसको भरने के लिए कितनी चॉइसेस हैं आपको, तो इसको भरने के लिए आपके पास है 0 से लेके 9 तक 10 चॉइसेस आर देयर, तो टोटल जो इवन नंबर्स होंगे तो वो होंगे आपके पास 9 × 10 × 5 = 450, टोटल इवन नंबर्स होंगे 3 डिजिट के इवन नंबर्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड का मतलब मालूम ही है आपको, ऐसे डिजिट्स होंगे जैसे 990 हो सकता है आपका, 442 हो सकता है, 464 हो सकता है, इस तरीके के जो नंबर्स हैं जिनमें डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं इनको कहेंगे रिपीटेशन अलाउड, और रिपीटेशन व्हेन नॉट अलाउड है, अब जब नॉट अलाउड है तब नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, मैंने आपको कहा भी था कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है
तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और डिजिट्स क्या हैं आपके पास, अवेलेबल डिजिट्स हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 0 to 9। तो 0 to 9 में अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो देखिएगा केसेस कितने होंगे। देखो आप, ये बॉक्सेस बना दिए हमने और हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट्स है, रिपीटेशन नॉट अलाउड 0 to 9, हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 10 डिजिट्स हैं। पहली पोजीशन में 0 नहीं आ सकता, तो टोटल 1 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो 9 चॉइसेस हैं। एक हमने डिजिट इसमें कम कर लिया, इसको भर के हमने एक डिजिट को कम कर लिया। जब हमने इसको भर के एक डिजिट को कम कर लिया और इस प्लेस में अब 0 भी आ सकता है, तो हमारे पास चॉइस हो गई, कितनी हो गई हमारे पास चॉइस, 9 चॉइसेस हो गई। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इस प्लेस में, तो इस प्लेस में हम क्या भर सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, क्योंकि हमें कौन सा नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए। अब ध्यान से देखिए आप, 0 का डिस्कशन यहाँ भी होगा, 0 का डिस्कशन यहाँ भी कर रहे हैं हम। तो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो और एक ही वैल्यू का डिस्कशन यहाँ भी हो, एक ही वैल्यू का डिस्कशन वहाँ भी हो, तो हमें क्या करना चाहिए, तब हमें केस लेना चाहिए। कैसे केसेस, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको दो केसेस में आपको बायफर्केट कर देना चाहिए। तो दो केसेस में कैसे बायफर्केट करोगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप, जब रिपीटेशन, फिर से मैं आपको बोलता हूँ, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक ही डिजिट का डिस्कशन दो प्लेसेस में हो तो हमें केस लेना चाहिए। तो केस कैसे लेंगे हम, ये केस लेते हैं कि इस प्लेस में हमने 0 भर दिया, इस प्लेस में 0 भर दिया। डेफिनेटली इस प्लेस में 0 के अलावा भी आ सकते हैं, कौन कौन आ सकते हैं इस प्लेस में, आ सकते हैं 0 के अलावा 2, 4, 6, 8, क्या आ सकते हैं 0 के अलावा 2, 4, 6, 8 भी आ सकते हैं। तो तब इसको भरने की चॉइस कितनी होगी, तब हमारे पास टोटल चॉइसेस होंगी 4। और इसको जब इस प्लेस में 0 आ गया तो हमारे पास केवल एक चॉइस है। अब ध्यान से सुनिए, जब हमने इसको 0 से भर दिया, 0 यहाँ पर आ गया, तो अब हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स क्या होंगे, अब हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट्स होंगे 1 to 9 है। तो इसको भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, इसको भरने के लिए चॉइस हमारे पास 9 है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई आपको स्पेसिफिक कंडीशन दे, डिविजिबल बाय 5 चाहिए, इवन नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, तो आप सबसे पहले इस वाली पोजीशन को फिल करें। तो इस वाली पोजीशन को फिल करके आगे बढ़ते हैं, खासतौर से उस केस में जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अलाउड है तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्लेस में कौन आ गया, 0 आ गया, इस प्लेस में केवल अब 0 है, इस प्लेस में हम कितने डिजिट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, 1 to 9। एक हमने यहाँ खर्च कर लिया, एक इसको भरने में खर्च कर लिया, टोटल डिजिट्स 0 से लेके 9 तक में 10 थे, दो खर्च हो गए, तो इसको भरने के लिए अपने पास कितनी चॉइस है, 8। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो गई 9 × 8 × 1 = 72। अब इसको भरने के लिए, अब हमने इस प्लेस में क्या भर दिया दोस्तों, 2, 4, 6, 8 हमने भर दिया है। तो एक डिजिट हम यहाँ पे भर चुके हैं, वी हैव 4 चॉइसेस, पर चारों तो नहीं भर देंगे, चारों में से कोई एक भरेंगे। मान लीजिए हमने 4 भरा, तो अब हमारे पास यहाँ 4 भरने के लिए ख़त्म हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ भरने के लिए क्या चीज़ है, तो हम क्या नहीं भर सकते यहाँ पे, 0 को भर नहीं सकते, 0 बार मतलब 0 को भर नहीं सकते। और 4 अगर भर दिया तो 4 नहीं भर सकते, 2 अगर भर दिया तो 2 नहीं भर सकते, तो अपने पास 2 नंबर कम हो गए। तो 2 नंबर कम हो गए तो टोटल कितने थे अपने पास अवेलेबल डिजिट्स, नंबर मीन्स डिजिट्स, टोटल डिजिट 0 से लेके 9 तक 10 थे। एक वहाँ भर दिया, इसको भर नहीं सकते, तो टोटल डिजिट्स अपने पास हो गए यहाँ भरने के लिए 8। अब ध्यान से सुनिए, एक वहाँ भर दिया हमने, एक यहाँ भर दिया, 0 यहाँ भर सकते हैं, यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो यहाँ पे जो 2, 4, 6, 8 में से जो ख़त्म हो गया वो, और जो यहाँ पर 1, 2, 3 जो भी होंगे उसमें से एक यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ खर्च हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 4 भर दिया या 6 भर दिया, मान लीजिए कि मैंने यहाँ 6 भर दिया और यहाँ पर मैंने भर दिया 7 भर दिया, तो अब मेरे पास अब कितने डिजिट्स बचे, 6 यानी भर 6 और 7 ख़त्म हो चुके, 6 और 7 को छोड़ के 0 से लेके 9 तक के बचे हुए तो सारे भर सकता हूँ मैं।
तो इसमें टोटल चॉइसेस कितनी होंगी हमारे पास, 8 होंगी, क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकता है, दिस प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, 0, तो द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स विल बी 8 × 8 × 4, 8 जा इतना होगा 64, 64 × 4 आई होप 256 होता है, देख लीजिएगा 256, ओके 256 करेक्ट, 256 प्लस 72, दिस और दिस, तो जब जब और का यूज होगा मन में तब उसका मतलब होता है यहाँ पे प्लस, जब जब यहाँ एंड मन में बोलेंगे तो उसका मीनिंग होगा मल्टीप्लिकेशन, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 823, तो ये आपके पास आ गया 328, ये केसेस होंगे व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, हम और भी डिस्कस करेंगे और आगे करते रहेंगे, परम्यूटेशन के आप मेरे सारे लेक्चर्स देखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब हम 7.1 एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं दोस्तों, अब आपको इतना ज़्यादा समझना और इतना ज़्यादा तनाव महसूस नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में चढ़ गया होगा। तो देखिएगा, हाउ मैनी 3-डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब देखिए आपको अब बिल्कुल आसान हो गया, 3-डिजिट इवन नंबर्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बोल रहा है रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेशन रिपीट, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन इज अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ये तीन बॉक्स बनाएंगे, हमें इवन नंबर बनाना है तो इस प्लेस में आ सकता है 246, तो यहाँ आ जाएगा 246, इसको भरने की चॉइस है 3, इसमें नो रेस्ट्रिक्शन, तो ये टोटल डिजिट्स 6 हैं, कोई भी भर सकते हैं, इसमें नो रेस्ट्रिक्शन 6 हैं, तो आपका आंसर आ गया 6 × 6 × 3, 36 × 3, तो ये आएगा होपफुली 108। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 4-लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। आपको कोड बनाना है 4-लेटर कोड फ्रॉम 10 लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आपके पास 10 लेटर्स हैं, कोई से भी 10 लेटर्स हैं, आप ये मत सोचिए कि कौन से हैं, मान लीजिए कि आपको ए से लेकर के ही दे दिया आपको, आप फिर उसी पे रहना है आपको, उन्होंने दिए हैं ये समझिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मान लीजिए कि आपके पास ये 10 लेटर्स हैं और वो बोल रहे हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड है, डिजिट्स सॉरी नो लेटर कैन बी रिपीटेड, वही मतलब है रिपीटेशन नॉट अलाउड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो नो लेटर कैन बी रिपीटेड है इस केस में, तो आपको कितने बॉक्स बनाना पड़ेंगे, आपको ऐसे 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, आपको 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, इस यहाँ टोटल अवेलेबल जो लेटर्स हैं वो कितने अपने पास 10 है, तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ पर कितने आएंगे आपके पास 9, यहाँ कितने आएंगे, एक एक कम होते जाएंगे आपके पास, क्यों, क्योंकि नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, और रिपीट होते तो जैसा हमने देखा था 10 10 10 4 times, तो ये आपके पास आ गया 10 × 9 × अब आप आखिरी में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 9 × 8 × 7, तो ये आंसर होगा आपका इसका दोस्तों 10 × 9 × 8 × 7। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा तो यू विल फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4।
शुरू में आपको समझने में दिक्कत हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप वापस से एक बार वीडियो देखेंगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक और इस तरीके के क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली, और मैं आपसे डिस्कस करते रहूँगा। आप कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। अब क्वेश्चन नंबर फोर में, हाउ मेनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 0 to 9 व्हेन। अब मैं आपको क्वेश्चन फोर लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा। हाउ मेनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स, फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, मतलब टोटल डिजिट्स हैं 10 डिजिट्स हैं और ईच स्टार्ट्स विथ 67, ईच स्टार्ट्स विथ 67। हर डिजिट किससे स्टार्ट होगा? 67 से स्टार्ट होगा और डिजिट्स कैनॉट बी रिपीटेड, नो रिपीटेशन इज अलाउड। ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं? तो पहले फाइव डिजिट नंबर्स बनाना है, तो फाइव डिजिट के लिए बॉक्स बना दें, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास आ गए। हर यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ 7 होना चाहिए, इट इज़ फिक्स्ड, ये पहले से फिक्स है। तो आपके पास यहाँ 2 डिजिट खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से बचे? यहाँ 6 नहीं आ सकता और 7 नहीं आ सकता। और अवेलेबल डिजिट्स कितने आपके पास? 0 to 9, 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 6, यहाँ 7, ये फिक्स है। तो ये चॉइस फिक्स है, यू डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस, ये आपको 6 ही भरना है, मीन्स यू हैव ओनली वन चॉइस। इस जैसे मैंने आपको चॉइस की बात बोली थी, यू हैव वन चॉइस टू फिल दिस, इसमें 7 ही भरना है, नो अदर चॉइस इज पॉसिबल। अब आपके पास 2 खर्च हो चुके, एक इधर, तो आपके पास टोटल बचे 8 चॉइसेस। यहाँ पे चॉइसेस भरना है आपको, 8 चॉइसेस आर देयर। जीरो का भी कोई इशू नहीं कि जीरो यहाँ नहीं आ सकता, आ सकता है। अब आपने एक डिजिट यहाँ भर के ख़त्म कर दिया, एक डिजिट यहाँ भर के ख़त्म कर दिया, आपको इसको भरने की 8 चॉइसेस थी। आप 6 और 7 को छोड़ के कुछ और भी भर सकते थे, 6, 7 को छोड़ करके कुछ और भर सकते थे, पर अब इसमें आपने कौन सा भरा वो आप अपने मर्जी से भर सकते हो। तो 8 चॉइसेस आर देयर, एक यहाँ खर्च हो गया, एक इसको भरने में खर्च हो जाएगा, तो अब आपको इसको भरने के लिए 7 चॉइसेस होगी। फिर एक वहाँ खर्च, एक यहाँ, इसको भरने के लिए आपके पास 5 चॉइसेस हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 × 7 × 5, 8 × 5 = 40, 40 × 7 = 280। तो 280 विल बी द आंसर, इसका आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का 280। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स लिखा है उसमें, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कॉइन इज टॉस्ड, ये वाला बड़ा आसान है, आपने देखा भी होगा, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स या थ्राइस, ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको भी बॉक्स में हम ले सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स के लिए क्या करेंगे, वो तो पहले तो आपने लास्ट ईयर अगर किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में तो बना के देखे होंगे, वरना आप देखो यहाँ पर एच या टी कुछ भी आ सकता है, 2 चॉइसेस हैं, यहाँ एच या टी कुछ भी आ सकता है, इसको भरने की भी 2 चॉइसेस हैं, यहाँ भी इसको भरने की कितनी चॉइसेस, यू हैव 2 चॉइसेस। तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी व्हाट, 8। और वैसे अगर आप बनाते होगे तो आप इस तरीके से बनाते हो, HT, वैसे वो ट्री भी मुझे मालूम, आपको मालूम होगा, HT करके आप ऐसे बनाते हो,
फिर सारे केसेस लिखते हो, इसको डिसीजन ट्री बोलते हैं, बाइनरी ट्री, डिसीजन ट्री। तो आप कैसे कैसे लिखते हो, HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT, ये सारे केसेस लिखने के तरीके थे। ये तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। आइए अब इसको और अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं जो हमने पहले केस में समझा था उस मेथड से। देखो आप पहले HHH इसको लिए, इसको लें, HH इसको लिया, ध्यान से देखिए आप, इसको लिया, इसको लिया, यही काम किसके साथ करना है हमें। ये कितने केसेस हो गए आपके, ये दो केसेस हो गए। अब आप देखो HTH और HTT, चार केसेस हो गए। अब आप जब इसके साथ चार हो गए, इसके साथ भी लेंगे तो भाई, तो उसी तरीके से हुआ जैसे हमने वो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स किए थे, 2 × 2 × 2, तो ये टोटल केसेस हो गए हमारे पास, 8 केसेस आर देयर। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड। ये आपका क्वेश्चन है, आपके पास 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं, फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वन बिलो द अदर। आपको इससे सिग्नल बनाना है यूजिंग टू फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, हाउ मैनी, फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर देयर, एंड हाउ मैनी, क्या बनाना है आपको, हाउ मैनी, हाउ मैनी डिफरेंट फ्लैग्स, फ्लैग्स using two flags one below the other, can be formed। आप ऐसे कितने बना सकते हैं, तो आपने देखे होंगे, आप ऐसा समझें कि आपके पास ऐसे 5 कलर की पट्टियां हैं, है ना, या 5 कलर की पट्टियां हैं, तो उन 5 कलर में से आप क्या कर सकते हैं, तो कितने फ्लैग बना सकते हैं। अभी हमने ऐसे इसकी जो सारी चीज़ें थी हमने ऐसे लिखी, अब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ये दो हो गए आपके पास, आपके पास 5 है, मान लीजिए रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो और वाइट ले लीजिए आप, 5 कलर है, तो 5 कलर में आपको इसको भरने की कितनी चॉइस है आपके पास, 5, पर इसको भरने की आपके पास चॉइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, इसको भरने की चॉइस हो जाएगी आपके पास 4, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होगी, 5 × 4 = 20। लेकिन हाँ, अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप क्या भर देंगे, अगर आप यहाँ रेड भर देंगे तो आपके पास चॉइस रहेगी ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट। अगर आप यहाँ पर ब्लू भर देंगे तब आपके पास नीचे वाले में चॉइस 4 रहेंगी, कौन कौन सी, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट। अगर आप इसमें ब्लू की जगह ग्रीन भर देंगे फिर आपके पास ऐसी 4 चॉइस होंगी, जैसे इसमें 4 चॉइस है, इसमें हर एक के साथ 4 है, रेड के साथ 4, ब्लू के साथ 4, ग्रीन के साथ 4, येलो के साथ 4, वाइट के साथ 4, 4, 5 बार, तो कितनी हो गई अपने पास, 5 × 4। इस तरीके से दोस्तों हम इसका आंसर समझ पाए। हम और भी डिस्कस करेंगे, मैं आपको और भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें नई नई हम मेथड इनपुट करेंगे, नई नई चीज़ें आपको सिखाएंगे और सरल सरल टेक्निक से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आप चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे के वीडियो, पीछे के वीडियो सारे देख लें। 11th क्लास का कोई भी वीडियो देखना हो आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। आपका कोई दोस्त हो जो 12th क्लास में हो, JEE की प्रिपरेशन कर रहा हो, 9th का हो, 10th का हो, किसी भी क्लास का हो, 6 to 12 एंड इंक्लूडिंग JEE, किसी भी 6 to JEE, क्लास 6 to लेके क्लास JEE तक, आप कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम। और उन सबको बताएं कि इस चैनल को देखें, उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। मेरी बेस्ट विशेस है, विश यू ऑल द बेस्ट।